पाताल हूँ, जमीन हूँ, आकाश हूँ मैं, खुशी का वो एहसास हूँ मैं, तूफानों में जलते हुए दिए का वो अवकाश हूँ मैं, गौर से देखो ना मुझे, आपका ही प्रकाश हूँ प्रकाश। बहुत गंभीर गंभीर बातें हुई, क्योंकि मैं हास्य रस लिखता हूँ, लिखने की लिखता क्या हूँ, लिखने की कुछ कोशिश करता हूँ, और उतनी गंभीर बातें तो मेरे दिमाग में आती भी नहीं है। एक दिन मैं सोया हुआ था और नींद से जागा तो मैंने अपनी पत्नी को नहीं देखा, मैं शादीशुदा हूँ तो नहीं देखा, तो मैं कहे चौंक गया कि भाई मेरी पत्नी नहीं नजर आ रही है, कहाँ गई। तो एक कुछ इस क्षण मैंने दो नुक तक मैंने मेरे दिमाग में आया कि नींद में थे हम संग जिसके, नींद में थे हम संग जिसके, वो खिला नींद की गोली किसी और संग खिसके। और एक दिन इसी तरह से एक दिन पत्नी मुझसे कुछ ज्वेलर्स की मांग करने लगी कि भाई आप सबों को देखिए, आप इतना कमाते हैं, सब वो देखिए, कुछ कभी कोई रिंग बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कोई ज्वेलर्स दीजिए। तो मैं उन्हें कहा कि भाई मैंने कहा भाई पैसे उसे खर्च करके क्या, कुछ सुना दो इसको, शांत हो जाएगी। तो मैंने बोला अरे क्यों करती हो चांदी चांदी, क्यों करती हो सोना सोना, अरे क्यों करती हो चांदी चांदी, क्यों करती हो सोना सोना, तेरे लिए तो ये है पगली, तेरे जीवन में मेरा होना। कसम से उसके बाद आपसे कोई डिमांड नहीं हुआ। और एक दिन बोले कि आप तो कुछ सुना, आप तो ये सुनाते हैं, कुछ और सुनाइए। तो मैंने एक दिन और लिखा, आप तो सबकी मतलब कभी भी आप मेरी खुशनुस्ती का जो है जिक्र नहीं करते हैं, आप जहां भी जाते हैं तो किसी औरों का खुशनुस्ती का जिक्र करते हैं, या किसी भी आपकी शायरी में भी कोई और ही रहती है। तो मैंने क्या बात बोलती हूँ लोग, मैंने उसे एक और सुनाया तो आपके सामने पेश है कि संगे मरमर की मूरत हो तुम, पर ताली तो हो जाएगा, धन्यवाद। कि संगे मरमर की मूरत हो तुम, बड़ी ही खूबसूरत हो तुम, संगे मरमर की मूरत हो तुम, बड़ी ही खूबसूरत हो तुम, तुझे तेरी फिक्र है कि नहीं ये नहीं जानता मैं, तुझे तेरी फिक्र है कि नहीं ये नहीं जानता मैं, पर मेरे हर लम्हों की सख्त जरूरत हो तुम। और ऐसे तो अगर जो प्यार करते हैं, हमारा तो ना प्यार हुआ ना ब्रेकअप हुआ, सीधे शादी हुई है ना, ना प्यार वाला ब्रेक, लेकिन जिससे शादी हुई है उसी से प्यार भी हुआ है, और कभी कभी ब्रेकअप होता फिर प्यार हो जाता है। तो मैंने लिखा, एक दिन मैं नाराज था उससे, अपनी वाइफ से, तो मैंने लिखा, ऑप्शन नहीं है, सही बात आपने कहा, अब तो ऑप्शन भी नहीं है, अब तो अगर फेसबुक पे कुछ ज्यादा कमेंट आ जाती तो उस पर कुछ सुना जाता है, कौन है, कितना कमेंट क्यों, पर्सनल में क्यों, तो में चेटिंग क्यों, तो उसका भी ध्यान रखना होता, हम शादीशुदा लोग हैं। तो मैंने लिखा भाई पे, उसी दिन नाराज था, तो मैंने लिख दिया, अरे अब तो दुनिया बेईमानी सी लगती है, अब तो दुनिया बेईमानी सी लगती है, हर चीज अब पुरानी सी लगती है, और मर जाया करते थे जिसके एक मुस्कुराहट पर हम कभी, अब तो उसकी हंसी भी बेईमानी सी लगती है। और इसी तरह से दो चार मुक्तक है, किसी ने माँ पर सुनाया था शायद, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि माँ पर प्यार मोहब्बत के बीच में अगर माँ आती है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने भी माँ पर लिखा था छोटा मुक्ता के, तो फिर मैं अपने औकात में आऊंगा, मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूँ, आप लोग ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैं अंत हूँ, मैं बहुत इंतजार किया हूँ, मैं 10 बजे यहाँ पहुंच गया था, 10 बजे से 5 बजे मेरे हाथ में माइक आई, तो इतना जल्दी नहीं छोड़ू आप लोग को, पूरा खगोल के छोड़ू। हाँ ठीक ना, आप लोग तैयार है ना भाई, ठीक है। तो मैं सुनाना था कि माना पैसे की काफी जरूरत है, माना पैसे की काफी जरूरत है, पर इतनी भी क्या जरूरत है, पैसे से क्या सब कुछ दिला पाओगे, छीन गया है मेरा बचपन क्या लौटा पाओगे, चला दोगे। और जिनकी माँ नहीं है, मैं उनके लिए बेसिकली बोल रहा हूँ कि जिनकी माँ, इसलिए अपनी माँ की कदर करें, माँ दोबारा नहीं आने वाली है ना, ठीक है, ठीक है, माँ दोबारा नहीं आने वाली है, जिनकी भी माँ है वो अपनी माँ की कदर करें, बाबूजी की कदर करें। तो बोले चला दोगे पैसे की ताकत से 1000 पंखे, कि माना पैसे की काफी जरूरत है, पर इतनी भी क्या जरूरत है, क्या पैसे से सब कुछ दिला पाओगे, छीन गया है जो मेरा बचपन क्या लौटा पाओगे, चला दोगे पैसे की ताकत से 1000 पंखे, पर माँ के आंचल की हवा कहाँ से लाओगे।
से मांगो और जान लीजिए इंसान जो है अब आदमी भी बदल गए हैं सर, एकदम बदल गए हैं। हम लोग सिर्फ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। मैं इसलिए स्वार्थ में था कि मेरा नंबर कब आएगा, वो स्वार्थ में कि उनका नंबर कब आएगा, मैं भी अपने स्वार्थ में था। तो शांत था पहले अब बदल गया है आदमी, शांत था पहले अब बदल गया है आदमी, आदमी था जो पहले अब मचल गया है आदमी, और कांपते थे बाघ के भय से पहले आदमी, अब आदमी को डराने लगे हैं आदमी। आदमी का परिचय करवाता था आदमी, पहले आदमी का परिचय करवाता था आदमी, विपत्तियों के हाथ आदमी के बटाता था आदमी, आदमी के अब आंखों के पानी को सोख गया आदमी। देखिए ना तैस जी, आदमी के पीठ में खंजर हो गया आदमी। और एक लास्ट मुक्तक है, उसके बाद मैं अपने हाथ से रच के एक रचना सुनाऊंगा। एक लास्ट मुक्तक है जी, तो मैं ये खंजर वाला हूं कि इंसान अपने हैवानियत को जगाकर सो गए। बड़ी छोटी सी बात है कि इंसान अपने हैवानियत को जगाकर सो गए। अरे अब तो भाई भाई के दुश्मन हो गए, अब दिख जाया करते थे भले मानस फिर भी कभी राहों पे, अब तो ना जाने वो भी कहां थे। तो अब मैं सवाल करता हूं, मैं हाथ से लिखता हूं जैसे मैंने कहा था। तो मैंने एक रचना लिखी थी क्योंकि आजकल बाबाओं का बहुत खेल चल रहा बाजार में। आसाराम बापू की जय हो, राम रहीम बाबा की जय हो, और भी कितने बाबा हैं जय हो, सबों की जय हो। एक बार जोर से ताली बजा के शुरुआत कीजिए, तो मैं अपनी रचना शुरुआत करूं। अलग निरंजन, चलिए आपकी भी बात हो गई तो मैं शुरू करता हूँ कि चंदन से एक बाबा और हमें बना दिया ब्रह्मचारी। जंगल से एक बाबा आए और हमें बना दिया ब्रह्मचारी। बोले बेटा तेरी दुश्मन है नारी, कि बेटा तेरी दुश्मन है नारी, बस ये समझकर हम बन गए ब्रह्मचारी और बांध लिया कि कोई दुश्मन है वो है नारी। ये खबर सुन हमारे मोहल्ले में जंग हो गई, हमारे मोहल्ले की लड़कियों में आपस में ही जंग हो गए। ये खबर सुन हमारे मोहल्ले वाले दंग रह गए, हमारे मोहल्ले की लड़कियों में आपस में ही जंग रह गए। कोई कहती मैं सुनूतन ब्रह्मचारी पर फेंकूंगी इतनी कटिले नया, ये छोर ब्रह्मचारी पर बन जाएगा मेरा अजय देवगन। पर कोई मुझे बाला को, और कोई कहती मैं इसके आंतरिक प्रेम को इतना कर दूंगी जिंदा, मैं इसके आंतरिक प्रेम को इतना कर दूंगी जिंदा, ये छोर ब्रह्मचारी पर बन जाएगा मेरा गोविंदा। पर कोई मुझे बहला ना पाई, पर कोई मुझे बहला ना पाई, मेरे ब्रह्मचारी पन से मुझे हिला ना पाई। पर एक युक्ति एक दिन उनसे टकरा गई, अब क्लाइमेक्स यहां से शुरू होता है। नहीं नहीं बिगड़ा नहीं सर, अभी आगे क्लाइमेक्स आती है। पर एक युक्ति एक हमसे टकरा गई, हमारे ना चाहने पर भी हमारे बाहों में आ गई। हमने उस युक्ति को अपने समीप से दूर हटाया और मंत्र याद करने लगे तो गुरुदेव ने सर हटाया। ओम 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 ओम, वो युक्ति फिर आई और वो मुझे टकराई। बोले बहन जी, मैंने कहा बहन जी यू करीब ना हो हमारे, हम कौन लगते तुम्हारे। वो बोले मूर्ख यू करीब यू मूर्ख, ये बनाओ ना मुझे तो अपना सिस्टर, मैं तेरी मिस और तू मेरा मिस्टर। अरे मूर्ख यू मुझे बनाओ ना तू अपना सिस्टर, मैं तेरी मिस और तू मेरा मिस्टर। मैंने कहा बहन जी इस नूतन ब्रह्मचारी का रखो मान और कहीं और के लिए करो प्रस्थान। अरे सब ताली तो हो जाए दोस्तों। अब देखिए क्लाइमेक्स शुरू होता है बॉस, अब आसाराम बापू जी आ रहे हैं खेल में। इतने में मेरे गुरुदेव दिखाई पड़े, मैंने कहा गुरुदेव अब आप ही बचाओ, गुरुदेव अब आप ही बचाओ, जरा इस युक्ति को अपने स्तर से समझाओ, हम तो समझा समझा कर हार गए। इस युक्ति के कटिले नयन के खंजर इतने दिल में गार गए। तब हमारी बातों का गुरुदेव पे हुआ रिएक्शन, उन्होंने तुरंत लिया एक्शन और बोले क्यों इस मूर्ख के बल्ले पड़ती हो, इस तो मुझ पे क्यों ना मरती हो,
पति हो, ये तो मात तुम्हें देख कर रहा है, तुझसे छुटकारा पाने की मिन्नत मुझसे कर रहा है, उसे छोड़ दिए, इस जोड़ी की तरफ ध्यान दो जो हृदय की परख कर रहा है। वो युक्ति बुदाई बोली, मैं बोला गुरुदेव क्या वार्तालाप हो रहा है, वो युक्ति बीच में रोक के बोली वट बस सुन, ये प्रो तेरे खिलाफ हो रहा है। वो युक्ति जो ना बोली उसके अंदाज भूल गए, वो युक्ति जो ना बोली उसके अंदाज भूल गए। हम तभी समझ गए कि हमें ब्रह्मचारी बनाने वाले बाबा खुद एक युक्ति देखते हो गए। अगर आदेश हो तो एक रचना और सुना दो, समय काफी हो चुका है। चलिए धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने इतने प्यार से एक रचना बनाई।